गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5, तो अभी मैं हो चुका हूँ नहा के रेडी, हेयर कट भी करवा लिया है कल मैंने, मगर आज अकेले नहीं जाना है, साथ में फ्रेंड्स भी है, तो बताऊंगा कौन कौन है और कहाँ पे जाना है वो भी बताऊंगा आप लोगों को, तो देखते रहिए। अभी 5:30-6 बजे निकलने का सोचा है, अभी देखते हैं कब निकलते हैं वो। मैं तो रेडी हो चुका हूँ और आज पहली बार कोई दूसरा आएगा मेरे व्लॉग में मेरे साथ, क्योंकि मैंने किसी के सामने अभी तक व्लॉग नहीं किया है, तो देखते हैं कि कैसे होता है। फ्रेंड्स ही है, सब कॉलेज फ्रेंड्स है और यहाँ पे ही रहते हैं घर के पास, तो देखते हैं। और एक फ्रेंड सूरत से है, एक वापी का है और एक उदवाड़ा का ही है, तो मिलाता हूँ आप लोगों को, कौन है वो भी बताता हूँ। आज इम्पोर्टेंट काम है इसलिए सुबह जाके शाम को वापस तुरंत आ ही जाएंगे, वैसे अभी नहीं जाना था मगर इम्पोर्टेंट काम है इसलिए आज ही जाना पड़ेगा। और कुछ प्लान भी नहीं किया था तो कल ही फिक्स हुआ कि आज सुबह निकलना है और शाम तक आ जाना है वापस। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और मिलता हूँ आपको कार में। अभी अंधेरा बहुत है, सुबह के 5:15 हुए, तो बस सामान रखता हूँ और निकलता हूँ। बस हम अपने टाइम पे 5:30 बजे एग्जिट हम निकल चुके हैं और 7-7.5 किलोमीटर हमने काट दिया है। फ्रेंड्स भी टाइम पे आ गए थे, तो बस आगे जाके मिलता हूँ। अप्रॉक्स 70 किलोमीटर कवर कर दिए है, अभी 1 घंटा होने की देर है, तो अभी थोड़ा आगे जाके हम पेट्रोल डलवाने के लिए रुकेंगे, तो तब आपको मिलता हूँ मैं। और अभी पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, टैंक फुल करवानी है अभी, और 75 किलोमीटर हो चुके हैं और नवसारी के आगे हूँ। अभी हम पेट्रोल डलवा के निकल चुके हैं, तो मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट सूरत पे। तो बस अभी हम कामरेज पहुँच चुके हैं, फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आता ही होगा, तो अभी देख लेते हैं कि कितनी एवरेज हमको मिली है। तो आप देख सकते हैं हमको 18.5 की एवरेज मिल रही है और सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं होता है इसलिए अच्छा है, तो अभी मिलाता हूँ अपने फ्रेंड से आपको। 105 किलोमीटर हो चुके हैं और हमारे साथ है प्रीत और आफ्ताब और एक फ्रेंड आने वाला है अभी, तो जब आता है तब दिखाऊंगा, और इसका नाम है क्रिस। तो बस अभी हम निकल चुके हैं कामरेज से और 3 किलोमीटर आगे जाके टोल टैक्स देना है, तो उसमें भी अभी लाइन है। बस हमने थोड़ा होल्ड लिया है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं थोड़ा। अभी हम पहुंच चुके हैं भरूच के आगे गोल्डन ब्रिज के बाद, तो अभी थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुके हैं और चाय पीने के लिए घर से ही लेके आए थे नाश्ता और चाय, और एक होटल पे रुके हैं साइड पे। बस हम नाश्ता कर लेते हैं, तो तब तक आप टाइम लैप्स देख लो। तो
बस मैं आपको अब मिलता हूँ सीधा बड़ोड़ा पहुँच के। हम बड़ोड़ा पहुंच चुके हैं और ये है हमारा फ्लैट, पूरा धुल धुल हो गया है क्योंकि 3-4 महीने से खुला नहीं है, लॉकडाउन था इसलिए हम घर पे थे और हमारा सब सामान भी इधर ही रह गया था और हमको मालूम नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है। तो बस अब थोड़ा सामान हम घर ले जाएंगे और थोड़ा सामान हम फ्रेंड के घर पे रख देंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी आप देख रहे होंगे कि बारिश शुरू हो गई है, सुबह तो एकदम धूप थी, लग नहीं रहा था कि बारिश होगी और हमारा काम भी ख़त्म हो गया है, सब सामान भी हमने गाड़ी में रख दिया है और जो सामान ज़रूरत नहीं थी घर पे ले जाने की वो फ्रेंड के यहाँ रख दिया है और डिपॉजिट और वो सब लेके थोड़ी देर में निकल जाएंगे। अब मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा, तो देखते हैं। तो बस काम तो ख़त्म हो गया, अभी 1 बज रहा है, पूरी डिक्की पैक हो गई है सामान से। तो अभी हम इधर ही है बड़ोड़ा में, अभी 2 बजने वाले हैं, अभी काम अभी 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी निकलेंगे और शायद से 6-6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो अभी फ्रेंड्स गए हैं ऊपर, काम है वो डिपॉजिट लेनी है, वो डिपॉजिट लेने गए हैं। तो अभी आएंगे और निकलेंगे, फिर बीच में कुछ खाना खाने के लिए शायद से रुकेंगे, घर से खाना लेके ही आए तो वो खाएंगे क्योंकि अभी बाहर नहीं खा सकते। तो मिलता हूँ जब हम किसी जगह पे रुकते हैं। अभी हम रुके हैं अमृत से पहले ऑनेस्ट पे, तो अभी थोड़ा खाएंगे, नाश्ता करेंगे, घर का ही लाए वही, और थोड़ी चाय पी लेंगे और फिर निकल जाएंगे अमृत के लिए और वहाँ से फ्रेंड को ड्रॉप करके वापस घर के लिए निकल जाएंगे। तो मिलता हूँ। ये ऑनेस्ट है अमृत से थोड़ा पहले। तो क्रिस को बाय बोल देते हैं, बाय क्रिस, और हम निकलते हैं थोड़ी देर में। तो हमने क्रिस को ड्रॉप कर दिया है, अब हम निकल चुके हैं, तो शायद से आगे थोड़ा एक ब्रेक लेंगे, तब आपको मिलता हूँ। तो अभी हम डुंगरी के पास पहुँचने वाले हैं और अभी निकलेंगे यहाँ से, थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लिया है और अब डायरेक्ट घर पे जाके मिलेंगे। तो बस अभी पहुँच चुका हूँ घर पे, 477 किलोमीटर हुआ इस बार, तो बस अभी फ्रेश होके मिलता हूँ। तो आज है 23 जुलाई, थर्सडे, आज दूसरा दिन है। कल हम गए थे बड़ोड़ा, सुबह 5:30 बजे निकले थे, फ्रेंड्स के साथ गया था और शाम को 6 बजे तक तो हम वापस आ गए थे। हम रेंट पे रहते थे, वो फ्लैट खाली करना था तो इसकी वजह से हम गए थे सब रूममेट्स, वो सब मेरे रूममेट्स भी है और कॉलेज के फ्रेंड्स भी है सब, तो हॉस्टल में भी हम साथ ही रहते थे, बाहर भी हम साथ ही रह रहे हैं फ्लैट में। तो वो खाली करना था फ्लैट क्योंकि अभी लॉकडाउन है, तो अभी हम घर पे ही है सब 3-4 महीने से, फिर भी हमने रेंट पे किया। मगर अभी और कितने टाइम ऐसा चलेगा मालूम नहीं है, दिवाली तक या फिर और कब कॉलेज स्टार्ट होगी मालूम नहीं है कुछ भी, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि अभी रेंट इतना पे करने से कुछ मतलब नहीं है। तो हमने फ्लैट खाली कर दिया, फिर वहाँ से 2 बजे हम निकले थे और 6 बजे आ गए। वहाँ 2-3 घंटा हमको लगा फ्लैट खाली करने में क्योंकि सब सामान भी बहुत ज़्यादा था, कलेक्ट करने में भी टाइम लगा और डिपॉजिट लेने में, तो इसलिए वहाँ से 2 बज गए निकलते निकलते। तो 6 बजे हम घर पे भी आ गए थे और आने के बाद तो इतना थक गया था मैं कि आते ही मैं नहाया और फिर थोड़ा खाया और फिर सोने ही चला गया और मन ही नहीं किया कि वीडियो बनाऊँ एंडिंग करूँ, तो इसलिए अभी एंडिंग कर रहा हूँ। को यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को शेयर भी करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। बस आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए।
तो बस मिलते हैं अगले किसी वीडियो में. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन बाय, टेक केयर.